नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है लंच टाइम बुलेटिन का, नजर डालेंगे अब तक की सभी बड़ी खबरों पर। राजधानी दिल्ली में हिंसा थमी पर मरने वालों की संख्या भी बढ़ी। मरने वालों की संख्या 34 हुई और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। अजीत डोभाल ने सड़कों पर लोगों से की बात, पीएम नरेंद्र मोदी ने की शांति की अपील। गुरु तेग बहादुर अस्पताल की ओर से नया आंकड़ा जारी किया गया है। अस्पताल के अनुसार अब तक दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 34 हुई। दिल्ली हिंसा की सुनवाई कर रहे जज मुरलीधर का हुआ तबादला। मुरलीधर ने लगाई थी दिल्ली पुलिस को फटकार। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किया गया। दिल्ली हिंसा में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा ने गवाई थी अपनी जान। अंकित शर्मा के परिजनों ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगाया इल्जाम। हालांकि ताहिर हुसैन ने आरोप से पल्ला झाड़ा है। आरोप है कि ताहिर हुसैन ने वीडियो जारी कर अफवाह फैलाई थी कि उनके घर पर अटैक हुआ है, जबकि वीडियो के मुताबिक हमला उनकी छत से ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने की पीएम मोदी की तारीफ तो बार एसोसिएशन विरोध में उतरा, तो वहीं बीसीसीआई ने किया समर्थन। जस्टिस मिश्रा ने बीते सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। जस्टिस मिश्रा ने पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित दूरदर्शी और बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया था। वो विश्व स्तर पर सोचते हैं और स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। इस बयान पर बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। चीन के वुहान से 112 लोगों को दिल्ली लेकर पहुंचा वायुसेना का एयरक्राफ्ट। कोरोना वायरस का अभी भी चीन में कहर जारी। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित वुहान शहर में फंसे भारतीयों समेत 112 लोगों को लेकर वायुसेना का एयरक्राफ्ट भारत पहुंचा है। भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट बुधवार को राहत सामग्री के साथ वुहान पहुंचा। वहां राहत सामग्री पहुंचाने के बाद उस एयरक्राफ्ट से वहां फंसे लोगों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। इन लोगों में भारतीयों समेत 36 पड़ोसी देशों के नागरिक शामिल हैं। चीन में कोरोना वायरस का संकट जस का तस बना हुआ है। अब चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2744 हुई। देश में अभी इसके कुल 78,500 मामले सामने आए हैं। हालांकि नए मामलों में पिछले कुछ सप्ताह से गिरावट भी दर्ज की गई है। नीरव मोदी के 112 सामानों की जाएगी नीलामी, जिसमें कार, पेंटिंग और घड़ी सभी चीजें होंगी शामिल। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी नीलामी। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के 112 सामानों की नीलामी होगी। ईडी की ओर से सैफरन आर्ट इस नीलामी को अंजाम देगी। नीलामी में नीरव मोदी के हीरे की महंगी घड़ियां, कार और दुर्लभ पेंटिंग्स की भी बोली लगेगी। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की कथित तौर पर धोखाधड़ी का आरोप है। रामपुर से सीतापुर ट्रांसफर किए गए आजम खान और उनका परिवार। 2 मार्च तक जेल में रहेगा आजम और उनका परिवार। सुरक्षा के कारणों से आजम और उसके परिवार को शिफ्ट किया गया है। सपा सांसद के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी किए थे। यह वारंट अब्दुल्ला आजम के 2 प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित मुकदमे में जारी किए थे। कल इस मामले में सपा सांसद आजम और उनकी पत्नी रामपुर से विधायक तंजीम फातिमा और बेटे ने सरेंडर किया था। 5 बार ग्रैंड स्लैम विजेता मारिया शारापोवा ने कहा टेनिस को अलविदा। शारापोवा ने 2004 में 17 साल की उम्र में विंबलडन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। विश्व की नंबर 1 पेशेवर टेनिस खिलाड़ी रही मारिया शारापोवा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। 5 बार ग्रैंड स्लैम खिताब को जीतने वाली मारिया पिछले कई सालों से कंधे में चोट की समस्या से जूझ रही थी। मारिया ने सीजन में केवल 2 मैच खेले और दोनों ही मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, अब यूएनएचआरसी में रोया कश्मीर का रोना। भारत ने लगातार कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना उसका आंतरिक मामला है, लेकिन बार बार पाकिस्तान इस मुद्दे पर बोलता है। और फिर पाकिस्तान इस मुद्दे पर बोला और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी से भारत के हौसले बुलंद होंगे।
देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।